आज हम बनाएंगे काली तोरी के छिलकों के कबाब, जिसके लिए हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं 2 किलो काली तोरी के छिलके लिए हैं हमने। इनको बारीक बारीक काट के उबाल लिया है। अब इनको हम पानी न छोड़ देंगे। इनका हम 3 आलू लिए हैं जिनको हमने उबाल लिया है। इनको हम मैश कर लेंगे। 1 बड़ा प्याज हमने बारीक बारीक काट लिया है। हरा धनिया बारीक काट लिया है और हरी मिर्चें। बेसन लिया है, ये थोड़ा हम अमेजे के अंदर डालेंगे और थोड़ा बेसन हम ये अंडे हम फेंट लेंगे इनके अंदर डालेंगे। 3 अंडे लिए हैं हमने, ये हम इनकी कोटिंग करेंगे कबाब के ऊपर। इसमें हम मसाला डालेंगे। गरम मसाला लिया है 1 चम्मच, लाल मिर्च छोटी चम्मच और नमक हसबे जायका डालेंगे। और सर्व करने के लिए हमने ये सॉस लिया है। आप हरी चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। अब हम बनाना शुरू करेंगे। ये काली तोरी के छिलके हमने उबाल लिए थे। अब हम इनको इस तरह से निचोड़ के इनका पानी हम ऐसे निकाल देंगे। सभी छिलकों का पानी हम इसको निकाल लेंगे इसी तरह से दबा के अच्छी तरह से। ये हमने तोरी में से पानी निकाल लिया है जो कि उबालने के बाद था थोड़ा बहुत। अब हम इसमें सभी चीज़ें मिक्स करेंगे लिए हैं। अब इसमें हम आलू डालेंगे। प्याज डालेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे जो कि बारीक बारीक काटा हुआ है हमने। मसाला लाल मिर्च और नमक डालेंगे और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम अच्छी तरह से ये हरी तोरी के कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। ये लोग इनको वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं और इनके कबाब भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये हमने इसका सभी चीज़ें डाल के काली तोरी के छिलकों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। इससे पहले हम अंडा फेंट लेते हैं। ये हमने अंडा फेंट लिया है और अब इसमें हम बेसन डालेंगे 2 चम्मच, 2-3 चम्मच। अंडे में हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना इतना बैटर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से हम ऐसे फ्लैट कर लेंगे। कबाब की शेप दे देंगे और इस तरह से सभी कबाब बना लेंगे और इनको अंडे के अमेजे में डिप करके हम फ्राई करेंगे। अभी हम गैस जलाते हैं। तेल गरम होने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं गरम करेंगे, मीडियम रखेंगे। ये अंडे में हम डिप करेंगे और धीरे से हम ये अंडे के अमेजे में हम इसको डिप करेंगे और इसी तरह से सभी कबाब तल लेंगे। अच्छी तरह से टिकने पर हम इनको उतार लेंगे। इसी तरह से हम सभी कबाब तैयार कर लेंगे। ये हमारे काले तोरी के कबाब बनके तैयार हो चुके हैं जो कि बहुत ही खाने में अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।